बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया कमल विहार। मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से होली का एक कार्यक्रम देखा जा सकता है सिवा प्रॉपर्टी एंड बिल्डर्स की कार्यालय पर। तमाम लोग इकट्ठे हुए, बहुत आनंद आया। तमाम लोगों ने चॉकलेट सुनाई और बुद्धिजीवी तमाम लोग यहाँ कमल विहार वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान, वेलफेयर एसोसिएशन मार्केट के प्रधान संरक्षक और संरक्षक और आम आदमी पार्टी से नेता तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम चाहेंगे कि होली के इस मौके पर ये रंगों का कार्यक्रम इसी प्रकार लोगों में खुशियाँ घोलता रहे, लोग आपस में मिलते जुलते रहें। एक संदेश के रूप में आप सभी से चाहूँगा थोड़ा थोड़ा शब्द करके सारे लोग बोले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश तोमर जी, जो कि हरे का सारा टीवी चैनल से हमारी इस छोटे से कार्यक्रम की प्रस्तुति आम जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत आभार। साथ ही मैं कमल विहार रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन से आए हुए सभी पदाधिकारियों का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी शिरकत की और इस मनोबल को बढ़ाने का कार्य किया। साथ ही मैं अपने समस्त पदाधिकारियों का भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इसका आयोजन, एक सफल आयोजन किया, जिसके अंदर एक बहुत ही प्रेम के साथ इस त्यौहार को मनाया गया है। ये एक सुंदर रिश्ते की शुरुआत जो आज हुई है, मैं दिल से चाहूँगा कि हमेशा हमेशा के लिए एक यादगार छवि के रूप में रहे और ये हमेशा निरंतर रहे, और मात्र होली पे ही ये ना रुके। होली, दिवाली, अन्य सांस्कृतिक त्यौहार जो भी हमारे इस वक्त होते हैं, वो हम सभी भाई एक साथ मिलकर मनाएं, ये मैं कामना करता हूँ। अरे क्या बात है, चला लपेटे में डालकर रंग लगाने की बात करते हो, इस तरह दिल जलाने की बात करते हो, फोन स्विच ऑफ करो हनुमान जी। रंग लगाने की बात करते हो, इस तरह दिल जलाने की बात करते हो, अपनी होली तो दो दिन पहले होली। लपेटे में डालकर रंग लगाने की बात करते हो, इस तरह दिल जलाने की बात करते हो, अपनी होली तो दो दिन पहले होली। दारू के बिना मुस्कुराने की बात करते हो, अपनी होली तो। ये दर्द होता नहीं है किसी के लिए, ये दौलत है किसी किसी के लिए। क्षमा क्यों जलाई ये बुझा दीजिए, आपका कम है रोशनी के लिए। तो मैं अब रंगों में रंग मिल जाते हैं, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों रंग मिल जाते, होली में तो दुश्मन भी मिल जाते हैं। चंद्र जी की, लखन लाल की, पवन सुत हनुमान की, एक आज होली के उपलक्ष्य में रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे लगाई नाची का डोरा बनाया, लगाई नाची का लगाई नाची का डोरा बनाया, काई गोरी का यार पलम तरसे, रंग तरसे रंग। Nika
निकल गई जवानी बुढ़ापा कैसे कटे टाटा करके निकल गई जवानी बुढ़ापा कैसे कटे ताने मारे है रोज जनानी बुढ़ापा कैसे कटे अपना मरा मरा और तन है पोला पोला और मरा मरा और तन से पोला पोला उसने देख नजदीक फटे पेट में बनेगा उसका डोला और क्या किसे कहे जिंदगानी बुढ़ापा कह के निकल गई जवानी अरे यू छोड़ कर चला दे रहे जाओ काशी कावा अयो छोड़ कर चला दे रहे जाओ काशी कावा दर्द बड़ा में सुंदरिया जब बोले बाबा बाबा सारे मौसम करे छेड़े कहानी बुढ़ापा टाटा करके हाँ बोलो टाटा करके निकल गई जवानी अरे कभी किसी हीरो से हम पर शकल मिलाया करते और कभी किसी हीरो से हम शकल मिलाया करते और बिना बात के सड़कों पर हम डिसल बजाया करते अब तो उतरा है चेहरे से पानी सुना एक हिंद को मर के भी रही फिक्रे शराब बोला वो सीसी वो पैमाना कहाँ है बोला वो सीसी वो पैमाना कहाँ है जन्नत में तो ले आए हो तुम मुझको फरिश्तों जन्नत में तो ले आए हो तुम मुझको फरिश्तों ये तो बता दो कि मैं खाना कहाँ पाड़ वालो आयो है यो भार काट कबाड़ वालो आयो है उनके दे दू मैं बोलेरा देना दाना के है तू की गैल चली जा ए शर्मा जी वह लाल साड़ी में देखो थारी बीबी कैसी लग रही है वह लाल साड़ी में देखो थारी बीबी कैसे लाग रही है मैं बोलेरा मन तो ऐसी लाग रही है जैसे कोई भैंस गुलाल मल के आ रही है वह तालाब पे देखो कोई हथनी अपनी सूंड से पानी फेंक रही है कोई हथनी अपनी सूंड से पानी फेंक रही है मैं बोल रहा वो हथनी कोनी वो तेरी भाभी कुल्ला कर रही है उम्र हो गई तो पतझड़ को याद कर रहे हो वो दिन भूल गए जब स्कूल से कॉलेज तक कंधे पे कंधे हाथ रख के चला करते थे है? और हर दिन बसंती बसंत कहा करते थे और यूं आंखें ताने कब आएगी देखते ही रहते अनिला के जंगल के पत्थरों में दिखाई देते हैं ये तो अच्छा है कि कोई यूट्यूबर अभी वहां पहुंचा नहीं तो सारी जनता जान जाती प्रोग्राम हुआ है बहुत ही हर्षोल्लास मनाया गया उसका हम तय दिन से पूरी मार्केट का सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परसों सोमवार को यानी रंगों का त्यौहार है होली हमारी सबसे अपील है कि होली को सभी भाईचारा भाई प्रेम से मनाएं एक दूसरे को अबीर गुलाल से रंग लगाएं हुल्लड़बाजी से बचें क्योंकि होली में देखा गया अधिकतर लोग हुल्लड़बाजी में अपना बहुत कुछ खो बैठते हैं तो हमारा ये सभी से संदेश है कि सर्वप्रथम अपने घर में सभी लोगों के साथ यार दोस्तों के साथ मिलकर रंगों का त्यौहार को एक उत्सव के तौर पर उसको मनाएंगे आज एसोसिएशन द्वारा हमारी मार्केट एसोसिएशन ने जो ये अच्छा अरेंजमेंट होली मिलन का किया है ये बहुत बढ़िया है होली मिलन हम सबको जो है मिलन मिलकर अपने त्यौहार को मनाना चाहिए और इसमें भलाई को त्याग कर भलाई की जो आपने हमें संकल्प लेना चाहिए यानी सुगम साथ इजाजत में कहता हूँ आपका धन्यवाद आपके अखबार का धन्यवाद निवासियों को समस्त देश के निवासियों को पूरे विश्व को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ सभी प्यार से होली मनाएँ सद्भावना रखें और एक दूसरे के प्रति बड़े प्यार से रहें और सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर हुआ और आप हमारी पूरी ये कवरिंग कर रहे हैं उसके लिए आपका भी बहुत बहुत ध्यान बहुत बहुत धन्यवाद
मैं सभी से निवेदन करता हूँ, सब बड़े खुशी से हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व मनाएं और किसी से कोई झगड़ा ना करें और कोई द्वंद्व ना करें, और जैसे कोई लड़ाई झगड़ा द्वंद्व है इस होली पर सब उसको निपटा के प्यार से रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमल विहार एसोसिएशन के द्वारा जो होली मिलन का कार्य किया जाता है वो हर साल बहुत ही भव्य और अच्छे तरीके से प्रोग्राम किया जाता है और सभी भाई लोगों को होली की प्यार प्रेम सभी लोगों को अच्छी तरीके से भाईचारे से होली का त्यौहार मनाएं। बस सभी लोगों को नमस्कार। मार्केट के एसोसिएशन और विशेष रूप से इसके जो अगुवा हैं श्रीमान गुरु जी नरेश जी, और एक विशेष जो नरेश जी विशेष परंपरा होती थी हरी जी आपको भी कि चांदनी चौक में जब साहित्यिक होली होती थी तो उसमें मूर्खाधिराज मूर्ख महासम्राट इस तरह की उपाधियां जग प्रवेश चंद कुलानंद भारती उस टाइम पर इंदिरा गांधी तक को मिली थी। होली का जो त्यौहार है विनोद का त्यौहार होता था, एक दूसरे के दिल पर नहीं लगाने का त्यौहार होता था, अपनी बातों को शालीनता से कहने का त्यौहार होता था। उस त्यौहार की परंपरा अपनी मार्केट में कई वर्षों से बन रही है, इसके लिए आप मार्केट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और इस कमल विहार आवासीय जो संगठन है RWA है उसके अध्यक्ष और अब इस कार्यक्रम में जितने लोग हैं और ये अपने हारे का सहारा जो टीवी चैनल है ये भी इसको हमेशा कवर करते आया है, आप सबको होली की पुनः पुनः बहुत बहुत मंगल कामना। प्रांगण जिन्होंने हमें प्रांगण यहाँ पे हमारे प्रांगण में अपने जगह पे इतना सुंदर आयोजन करने की अनुमति दी, श्री योगेंद्र त्यागी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ऐसी रंग भरी होली में जबकि सब प्रकार से ये कह दीजिए कि पूरी तरह अभी गुलाल से ऑफिस से लेके प्रांगण तक पूरा खुशहाल हो जाता है, इसमें उन्होंने सब तरीके से अपने चार चार वेटर और साथ में इतना सुंदर पकौड़े नमकीन चाय वगैरह वगैरह से हमें बहुत आनंदित किया, हमने भरपूर मजा उठाया, इसलिए हम योगेंद्र त्यागी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ में कवरेज लेने वाले हमारे हरीश तोमर जी जो कि एक साहित्यकार भी हैं और सुंदर जर्नलिस्ट भी हैं, लेकिन आज उनके मुखारविंदु से हमें पुनः सुनने का मौका मिला, इसलिए मैं पुनः उनसे ही अनुमति लूंगा कि मैं कवरेज हूँ और वो कुछ सुना। जैसे एक दूसरे के गले मिले, मैं चाहता हूँ साल से साल इसी तरह सब लोग आप जो प्रेम भाव से मिलते जुलते रहें और सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार कमालपुर मार्केट की तरफ से सब भाइयों ने जो मिलकर प्यार से ये हमने ये त्यौहार को मनाया है, बहुत बहुत बधाई सब भाइयों को, अच्छा लगा, भगवान इस तरह से ही आगे बनाता रहे। पहले मैं लेखन का भी कार्य करता था, बड़े बड़े मंचों पर कविताएं कहने का लिखने का कार्य करता रहा हूं, लेकिन चूंकि अब लोगों की बातों को संसार तक पहुंचाने का दायित्व बाबा श्याम की तरफ से मिला हुआ है, समाज ने एक दायित्व जो है कि जनता की हर समस्या को सरकार तक पहुंचाने का काम किया है और जो खुशियां लोगों की हों उनको भी बांटने का और लोगों तक पहुँचाने का कार्य आने का सारे TV चैनल के माध्यम से मैं करता हूँ और करता रहूँगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ने हमें भी इसमें आमंत्रित किया, बुलाया, सम्मानित किया, इसके बाद में इस कवरेज को करने के बाद मैं इसको पूरे संसार तक पहुंचाने का दायित्व निभाने जा रहा हूं। उन सभी लोगों का जो मुझे सुनना चाहते हैं आने वाले अगले कार्यक्रम में मैं ज़रूर पंक्तियों को तैयार करके लाऊंगा और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट यहाँ से लेकर पूरे संसार तक पहुँचाने का कार्य आप लोग करेंगे। अच्छे से मालूम है जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में पूछा थी कि हम लोग जो बात बनते किसी भी रूप में थे पतझड़ वाले प्यार से जुड़ के पर वो भी सिर के और सावन वाले जो पीछे खड़े हैं तेरी के साथ खड़े और हम जो बीच में मुरझाए हुए हैं हम भी थोड़ा प्रयास करें कि टूटे लोगों के लिए।